हेलो एवरीवन डेविड एंड जोनाथन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ द किंग ऑफ इजराइल का राजा था वो बहुत परेशान था द फिलिस्टींस द फोर्स ऑफ द इसराइट फिलिस्तीन्स जो इजरालाइट के दुश्मन थे हैड सेट इन वैली ऑफ हेड सेट कैंप इन दैली ऑफ इलाहा एंड वेडी टू अटैक उन्होंने क्या किया इलाहा की वैली में अपने कैंप सेट कर लिए और वो इसराइल पर अटैक करने के लिए तैयार थे देर वर मैनी जाइंट्स इन द फिलिस्टीन आर्मी फिलिस्तीन आर्मी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जाइंट थे द स्ट्रोंगेस्ट एंड जाइंट्स का मतलब होता है दानव द स्ट्रोंगेस्ट एंड बिगेस्ट ऑफ दम वॉज गोलियत उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा था गोलियत ही ओवर नाइन फीट टोल वो लगभग नौ फुट बड़ा था गोलियत वॉज कवर्ड विद आर्मर टू प्रोटेक्ट हिम गोलियत क्या लोहे के जो आर्मर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट Uh, मतलब उनसे उसने अपने आप को कवर किया हुआ था एंड कैरिड बिग स्पीयर और एक बहुत बड़ा भाला भी लिए हुआ था एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग फॉर फोर्टी डेज ही वुड शाउट एट द इजाइट इन हिज बिग डीप वॉइस चैलेंजिंग देम टू डुएल हर सुबह और शाम को लगातार 40 दिन तक वो इजराइट पर चिल्लाता था और उनको अपनी अपनी गहरी आवाज से चैलेंज देता था फाइट के लिए इट वॉज डेविड हु टुक ऑन गोलियत ये डेविड था जो कि एक भेड़ चराने वाला था उसने गोलियत का सामना किया ऑल ही हेड वर फाइव स्टोन एंड आर स्लिंग उसके पास सिर्फ पांच पत्थर थे और एक स्लिंग था स्लिंग क्या होता है अ लॉन्ग स्ट्रेप अटैच टू समु का स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड फिटेड इट इन टू हिज स्लिंग उसने अपने बैग में से एक पत्थर निकाला और अपनी स्लिंग में फिट कर दिया द स्टोन विश थ्रू द एयर एंड स्मैक्ड गोलियर थ्राइट ऑन द फोर हेड वो हवा में वो पत्थर उछला और गोलियत के माथे पर जा लगा एंड द जाइंट फेल टू द ग्राउंड विद अ माइटी अर्थ शेकिंग थर्ड और गोलियत ग्राउंड पर गिर गया और जमीन हिलने लगी वेन द रेस्ट ऑफ फिलिस्तीन सो दिस दे रैन अवे एंड डेविड बिकेम अ हीरो टू ऑल द पीपल इन इजराइल जब बाकी के फिलिस्तीन्स ने ये सब कुछ देखा तो वो भाग गए और डेविड इजरायल का हीरो बन गया। When King Saul saw how brave David was, he asked him to come and live with him in the palace. जब राजा सोल ने देखा कि डेविड कितना बहादुर है तब राजा ने डेविड को उसके साथ राजा के साथ महल में रहने को आमंत्रित किया। वो उसको पसंद करना शुरू कर देता है जोनाथन गिफ्टेड डेविड हिज ओन रोब ट्यूनिक स्वर्ड बो एंड बेल्ट जोनाथन ने अपनी रोब ट्यूनिक अपनी तलवार अपने भाला और अपनी बेल्ट डेविड को गिफ्ट की द सिग्निफिकेंस ऑफ गिफ्ट वॉज दैट जोनाथन रिकोगनाइज दैट डेविड वुड वन डे बी द किंग ऑफ इसराइल जो जोनाथन ने उसको ये गिफ्ट दिए थे वो क्या दर्शाते थे कि जोनाथन ने पहचान लिया है कि डेविड एक दिन इज़राइल का राजा बनेगा रेदर देन बींग एनवीएस और ज्वेल से जलने की लाइन टू द्रोन नही तो वो जो डेविड था वो उससे मतलब जो थ्रोन क्या होता है राजा की गद्दी अब राजा की अब जोनाथन को तो राजा की गद्दी मिलेगी मिलेगी क्योंकि वो राजा का बेटा था लेकिन डेविड को भी मिल सकती थी क्योंकि वो सबसे ब्रेव आदमी था इसराइल का जोनाथन डेडिकेट डेडिकेटेड हिमसेल्स टू डेविड देखो अब जो ये क्या था डेविड था वो भी राजा की लाइन में लगा हुआ था और इसी कारण ना ही तो मतलब वो इतना ब्रेव था कि वो राजा बन सकता था तो इसकी इस बात से डेविड उससे चिड़ता नहीं था वट इज मोर जनाथन एंड डेविड मेड अ कन्वीनियंट अ सोलमन एग्रीमेंट दैट बाउंड देम टूगेदर एज फ्रेंड हु वुड सपोर्ट ईच अदर तो अब क्या हुआ जनाथन और डेविड ने एक क्या बनाई डील की और एक एग्रीमेंट साइन किया जो उन दोनों को बहुत अच्छा दोस्त बनाता है और वो आगे फ्यूचर में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फिलिस्टीन द वुमेन केम आउट फ्रॉम ऑल द टाउन्स ऑफ इसराइल टू रिसीव किंग सोल जब वो दोनों जब सारे आदमी अपने घर पर आ गए डेविड को मार के जो सारी औरतें थी वो अपने घरों से बाहर आई और किंग के स्वागत के लिए घर से बाहर आई दे सेंग जॉयफुल सॉन्ग विद टिम्ब्रल्स एंड लेयर्स एज दे डांस दे सेंग स्लेन हिस्स थाउजेंड्स एंड डेविड टेंस ऑफ थाउजेंड वो सारी औरतें खुशी से गाना गाने लगी और अपने टिम्ब्रल्स उनका कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाने लगी और नाचते नाचते वो गा रही थी कि सोल ने तो हजारों को बचाया लेकिन डेविड ने दस हजारों को बचाया दिस मेड सोल वेरी एंग्री और ये इस गाने को सुनकर सोल बहुत गुस्सा हो गया दिस रिफ्रेन हिम ग्रेटली और ये जो स्टेटमेंट थी जो भी ये लाइन उन्होंने बनाई थी इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था वो बहुत गुस्सा हो गया दे हैव क्रेडिटेड डेविड विद टेन थाउजेंड्स थॉट बट मी विद ओनली थाउजेंड उन्होंने कहा कि उन्होंने डेविड को तो